नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक हील पेन के बारे में। हील पेन एक बहुत ही जर्नल टर्मिनोलॉजी है। इसके अकॉर्डिंग हील के आसपास होने वाले हर तरह के पेन को हील पेन के अंदर कैलकुलेट करते हैं, हील पेन के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों, हील पेन की प्रीवलेंस 18 साल से ऊपर एज की पॉपुलेशन में 17% से लेकर 24% तक हमें हील पेन मिलता है। हील पेन होने के बहुत सारे रीजन हैं। उन रीजन में से एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन प्लांटर फेशियाइटिस है। प्लांटर फेशिया हमारा एक थिक फाइब्रस शीट है जो हमारे पैर की उंगलियों से लेकर और हमारी एड़ी तक जाके अटैच होती है। जब कोई भी रिपीटेटिव एक्टिव होने की वजह से या फिर बॉडी का ओवरवेट होने की वजह से या बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की वजह से हमारा प्लांटर फेशिया स्ट्रेन में चला जाता है, हमारे प्लांटर फेशिया के अंदर टीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा फेशिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हील के नीचे यानी एडी के नीचे वाले हिस्से में हमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब हम सुबह उठ के चलते हैं और पैर को नीचे जमीन पे रखते हैं तो हमें अनटॉलरेबल पेन होता है, और जब थोड़ा सा चल लेते हैं तो वह पेन हमारा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर बैठने के बाद जब हम उठ के चलते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमारी हील के नीचे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो दोस्तों, प्लांटर फेशियाइटिस के ये हमारे सिम्टम्स हैं। दूसरी चीज है बर्साइटिस। बर्सा एक फ्लूइड फील्ड सैक होता है, यानी एक गुब्बारा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी भरा होता है और ये हमारा एडी की बैक साइड में मिलता है। यह गुब्बारा हमारी एडी के बीच में और हमारे काफ मसल का जो टेंडन है जो कि एडी के ऊपर जाके अटैच होता है, उनके बीच में होने वाले फ्रिक्शन को बचाता है। अगर यह गुब्बारा नहीं होगा तो टेंडन के बीच में और एडी की हड्डी के बीच में फ्रिक्शन होगा और हमारा टेंडन इन्फ्लेम्ड होके रप्चर हो जाएगा। तीसरी चीज है एकिलिस टेंडनाइटिस। एकिलिस टेंडन हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट टेंडन है। यह टेंडन हमारे काफ मसल को हमारी एडी की हड्डी के साथ जोड़ने का काम करता है। जब हम ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं या ज़्यादा देर खड़े होकर कुछ काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे काफ मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं और हमारी काफ मसल टाइट हो जाती है। उसकी वजह से हमारा एकिलिस टेंडन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है और हमें एकिलिस टेंडनाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एडी के पीछे हमें दर्द होना महसूस शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है बम्प हम्प डिफॉर्मिटी। बम्प हम्प डिफॉर्मिटी में हमारी एडी के पीछे एनलार्ज बोन डिफॉर्मिटी बन जाती है। बम्प हम्प डिफॉर्मिटी में हमारी एडी के पीछे की हड्डी बढ़ जाती है और वह बहुत ही पेनफुल हो जाती है। यह भी हमें चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। उसके बाद आता है सीवियर्स डिजीज। यह डिजीज़ 8 साल से 14 साल तक के बच्चों में देखने को मिलती है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि 8 साल से और 14 साल के बच्चे कई बार एडी के पीछे की तरफ पेन होने की कंप्लेंट करते हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो उसकी वजह से हील के पीछे की बोन उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बच्चों की हड्डी की ग्रोथ प्लेट होती हैं वो पेनफुल होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप ओवरवेट हैं, आपको फुट एंड एंकल आर्थराइटिस है, आपके फ्लैट फीट हैं या आपके हाई आर्च फुट हैं या आप कंक्रीट फर्श के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर आप इम्प्रॉपर फिटेड शूज़ पहनते हैं तो आपको हील पेन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं।
दोस्तों हील पेन हमें एडी के नीचे की तरफ भी मिल सकता है, हील पेन हमें एडी के पीछे की तरफ मिल सकता है। एडी के नीचे की तरफ मिलने वाले पेन का सबसे मेन रीजन प्लांटर फेशियाइटिस है। एडी के पीछे की तरफ मिलने वाले पेन का सबसे बड़ा रीजन एकिलिस टेंडनाइटिस और बर्साइटिस है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आपके हील पेन के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए ताकि और भी हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल लेना है, उसका रोल बना के अपने पैरों में लगा के और दोनों हाथों से पकड़ के इस टॉवल को अपनी तरफ खींचना है। खींच के 15 सेकंड होल्ड करके रखना है और उसके बाद 5 सेकंड का आराम देके दोबारा फिर से खींचना है, 15 सेकंड होल्ड करके वापस छोड़ देना है। यह एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार रिपीट करनी है। इस एक्सरसाइज से आपका काफ मसल स्ट्रेच होगा। हील पेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल मसल काफ मसल होता है। तो जब तक हमारा काफ मसल रिलैक्स नहीं होगा तो हमारा हील पेन जड़ से ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें काफ मसल की स्ट्रेचिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम टॉवल को अपनी तरफ खींचेंगे तो हमारे घुटने बैंड नहीं होने चाहिए। हमें हमारे घुटनों को सीधा रखना है और उसके बाद टॉवल के साथ दोनों पंजों को अपनी तरफ खींच के 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए एक टॉवल को नीचे बिछाकर और उसके एक एंड पर हम अपने पैर को रख के और उस टॉवल को अपनी उंगलियों के साथ फोल्ड करेंगे। जब हम टॉवल को एक बार उंगली से फोल्ड करते हैं तो इसको हम एक रिपीटेशन समझेंगे और ऐसे ऐसे 10 रिपीटेशन के 3 सेट हमें जरूर करने हैं। हर एक सेट के बीच में हम कम से कम 15 से 20 सेकंड का आराम देंगे। उंगलियों से टॉवल को फोल्ड करके जब टॉवल फोल्ड हो जाता है तो उसको हम दोबारा फिर से सीधा करेंगे और फिर से उंगलियों के साथ 10 रिपीटेशन के साथ फोल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारे फुट के इंट्रिंसिक मसल यानी छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं जो हील पेन की वजह से वीक पड़ जाते हैं उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और हमारा हील पेन बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम एक टेनिस बॉल लेंगे और इस टेनिस बॉल पे अपना पैर रख के और उसके ऊपर पूरा दबाव डाल के एडी से लेकर पैर की उंगलियों तक पूरा आगे पीछे तक रोल करेंगे। दोस्तों जैसा कि प्लांटर फेशियाइटिस में हमें हील पेन फील होता है तो जब हमारा प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है तो हमें हील पेन देता है। तो इस एक्सरसाइज के द्वारा हमारा जो प्लांटर फेशिया टाइट हो गया था हम उस प्लांटर फेशिया को रिलीज करते हैं। यह बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। जब तक आपका प्लांटर फेशिया रिलैक्स नहीं होगा आपका प्लांटर फेशियाइटिस का पेन खत्म नहीं होगा। आगे पीछे रोल करके आपको सर्कुलर मैनर में 10-15 बार क्लॉकवाइज और 10-15 बार काउंटर क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में बॉल के साथ अपने प्लांटर फेशिया की मसाज करनी है। चौथी एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा खड़े होके अपनी हील्स को रेज करना है और नीचे करना है। यह एक्सरसाइज 8 से 10 बार ही रिपीट करनी है, इससे ज़्यादा यह एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। पांचवी एक्सरसाइज हमें अपने एंकल जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें अपने पंजों को सिंपली ऊपर तक और नीचे तक फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना है और यह एक्सरसाइज हमें 10 से 15 बार ही रिपीट करनी है। धीरे धीरे और स्मूदली हमें यह एक्सरसाइज करनी है।
छठी एक्सरसाइज भी हमारी एंकल एंड फुट के जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए करनी है। सिंपली एडी को मिलाकर हमें अपने पंजों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों साइड में रोटेट करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन तक हमें यह एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज के भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। धीरे धीरे और स्मूथली मैनर में हमें यह एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। आखिरी एक्सरसाइज के लिए हमें दीवार के पास खड़े हो जाना है और दोनों हाथ दीवार के ऊपर टिका लेने हैं। एक पैर हमें आगे निकाल लेना है और दूसरा पैर पीछे रख के हमें अगले पैर के घुटने को मोड़ते हुए और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे दीवार के ऊपर जोर लगाना है। इस एक्सरसाइज में हमारी हील रेज नहीं होनी चाहिए, हमारी एड़ियां नहीं उठनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी। 5 से 7 रिपीटेशन हमें राइट लेग के साथ करने हैं, 5 से 7 रिपीटेशन हमें लेफ्ट साइड के साथ करने हैं। हर एक स्ट्रेच को हमें 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। हमें दीवार पे आगे की तरफ जोर लगाना है जिससे हमारा जो पीछे का पैर है उसका काफ मसल स्ट्रेच होगा। 15 सेकंड के लिए होल्ड करके और छोड़ देना है और 5 से 7 रिपीटेशन करने हैं। बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है काफ को स्ट्रेच करने के लिए। ये सभी एक्सरसाइज करने से पहले हमें कंट्रास्ट बाथ का जरूर यूज करना है। कंट्रास्ट बाथ हील पेन के लिए एक मैजिकल रेमेडी जैसा काम करता है। दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करनी है और 2 से 3 बार कंट्रास्ट बाथ करना है। कंट्रास्ट बाथ करने के लिए हम एक बर्तन में गर्म पानी और एक बर्तन में ठंडा पानी ले लेंगे। गर्म पानी इतना लेना है जितना हम सहन कर सकें और ठंडा पानी हमें ताज़ा ठंडा पानी लेना है। उसके बाद हम गर्म पानी से ही कंट्रास्ट बाथ स्टार्ट करेंगे और गर्म पानी से ही ख़त्म करेंगे। इसके लिए हमें 3 मिनट के लिए अपने पैरों को गर्म पानी में डुबोना है और 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में डुबोना है। फिर से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में, फिर से 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में, फिर से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में पैरों को रखकर हमें बाहर निकाल लेना है। यानी गर्म से ही शुरू करना है और गर्म से ही ख़त्म करना है। 3 बार गर्म पानी में और 2 बार ठंडे पानी में, 3 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में। 2 हफ्ते तक जब आप ये सब करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके हील पेन में आपको बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा है और लगातार 4 हफ्ते तक आप ये करेंगे।